जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे सनातनियों, आप सभी को सुबह सवाल की शुभकामनाएं। और आज चैत्री नवा वर्ष शुरू हुआ है तो उसकी शुभकामनाएं आप सबको। मैं आज एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, शायद बहुत से लोगों को इंटरेस्ट पड़ेगा मुझे लगता है। तो आजकल चर्चा होती है टॉप नॉच लॉयर, सुप्रीम कोर्ट के देश के बड़े नामी ग्रामी लॉयर, ये क्या है देश के बड़े नामी ग्रामी लॉयर? हाँ, अपनी ताकत अपनी काबिलियत के हिसाब से बने हुए हैं या ऐसे कोई हथकंडा आजमा के बन गए हैं या फिक्सिंग करके बन गए हैं, कैसे बने हुए हैं? देखो, टॉप लॉयर कौन थे? जब तक मैं छोटा था, मुझे मेरी मेमोरी जाती है गो बैक, तो मैं नानी पालखीवाला का नाम लूँगा, जो अपने ज्ञान के अधिकार के साथ टॉप नॉट लॉयर बने थे भारत के, राइट। जब भी बजट आता था तो बजट में भी उसके सूचनों का अमल किया जाता था, और बजट के बाद जो स्पीच होती थी तो दो लोगों की स्पीच होती थी, एक वित्त मंत्री जो नाना मंत्री बोलते हैं जिसको, हाँ, उसकी होती थी, अर्थशास्त्र के महान ये अभ्यासु और ज्ञानी नानी पालखीवाला की होती थी। नानी पालखीवाला की स्पीचेस इतनी पॉपुलर थी कि हॉल जितना भी रखे उतना छोटा पड़ता था। तो लास्ट में मुझे जब याद है ब्रेबोर्न स्टेडियम में उसकी स्पीच रखी जाती थी और 20-25 हज़ार लोग सुनते थे उनकी स्पीच में, राइट। और कोई उद्योगपतियों को अगर नानी पालखीवाला की अपॉइंटमेंट चाहिए ना तो क्या होता था मालूम है? वो बोलते थे आज मैं फ्लाइट से दिल्ली जा रहा हूँ, आज मैं फ्लाइट से दुबई जा रहा हूँ, आज मैं फ्लाइट से लंदन जा रहा हूँ, तो आप टिकट बुक करवा लो फर्स्ट क्लास में मेरे साथ, उधर बैठ के डिस्कशन करेंगे। और उनके जो देश के महान इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो सब नानी पालखीवाला के क्लाइंट थे, और नानी पालखीवाला का जो वर्ड था वो फाइनल वर्ड था। ये है देश के टॉप मोस्ट लॉयर का एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण है राम जेठमलानी जी। राम जेठमलानी जी कानून की किताबें पुस्तकें पढ़ के बड़े और ज्ञानी बने थे, टॉप नॉट लॉयर बने थे सुप्रीम कोर्ट के, ना कि हथगड्ढे अजमा के। हाँ, वो तो एक अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के उपप्रमुख भी रह चुके हैं, वो बात की बात अलग है। लेकिन नानी पालखीवाला के बाद अगर मैं किसी को एज ए लॉयर आदर करता हूँ तो वो है राम जेठमलानी जी। उसके बाद आते हैं हमारे प्यारे हरीश साल्वे जी, जिसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी बहुमान होता है, लोग उनको सुनते हैं। और लंदन शिफ्ट हुए तो लंदन में भी पहले क्वीन थी, अभी महाराजा किंग चार्ल्स है, तो क्यूसी बोला जाता था, क्वींस काउंसिलर, तो उसमें भी हरीश साल्वे की अपॉइंटमेंट होती है। ये है टॉप नॉट लॉयर। उसके बाद है सोली शोराब जी, उसको भी लोग ध्यान से सुनते हैं, उनके ज्ञान को सुनते हैं, उनके ब्यूटीफुल चेहरा या फलान दिखना देखने के लिए नहीं आते हैं, या उत्कृष्ट हनकटे में सुप्रीम कोर्ट में मेरा क्या काम फिक्स करवा देंगे, ऐसे लोग उनको क्लाइंट नहीं बनते हैं। उसके सामने हैं कुछ ऐसे लॉयर जिसके नाम तो मैं नहीं लूंगा, आज के जो टॉप नॉच है, तो वो कैसे टॉप नॉच बने हैं? कोई किसी को हरीश साल्वे के सामने आर्ग्यूमेंट में कोई भी जीत नहीं सकते हैं। हाँ, जिसका राजकीय पक्ष से नाता है, जिसका राज्यसभा में जाने का नाता है, जिसका कोई महिला अधिकारी को गोदी में बिठा के किधर जो पद पे पहुंचाने का नाता है, ऐसे लोग। हाँ, और ज्यादातर करके ऐसे लोग क्या करते हैं, कोर्ट को रात को 2 बजे भी खुलवाते हैं। ये कैसा न्याय की अपेक्षा है? कुछ सुप्रीम कोर्ट में कोई लोग क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत से नंबर्स ऑफ द केसेस पेंडिंग है, कितने लोग जेल में सड़ रहे हैं, उसकी सुनवाई नहीं होती है, उनकी लाइफ की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन किसी टेररिस्ट को, हाँ, किसी राजकीय अभिनेता को, किसी को VIP को जो पैसा खर्चा कर सके, उसके लिए कोर्ट को 2 बजे भी रात को खुलवाई जाती है। अगर जस्टिस लोग कोई प्रोग्राम में जलसा कर रहे तो वो जलसा में से उठ के न्याय करते हैं या जमानत दे देते हैं किसी को भी। हाँ, और आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में मेरे को ऐसा लगता है, भारत का नागरिक होने के नाते, कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय की मीमांसा कम होने लगी है। ज़्यादातर करके ऐसे कानून खटले लिए जाते हैं जो राजकीय इंपोर्टेंस वाले हैं, उसको कौन लेके आने वाले है? आपको सबको विधि दे 3-4 लोग है वो लेके आते हैं। हाँ, ये चैलेंज कर दिया, ये चैलेंज कर दिया, वो चैलेंज कर दिया, वो चैलेंज कर दिया, पैसा किसका बर्बाद होता है? देश के टैक्सपेयर को मेरी नम्र विनती है, हाथ जोड़ के CJI जी, चंद्रचूड़ जी को, दूसरे लोगों को, कि आप थोड़ा सोचिए तो सही। हाँ, ये कितने गरीब लोग आपके सामने देख रहे हैं, मेरे जैसे लोग भी आपके सामने देख रहे हैं कि कभी तो मेरा न्याय होगा, कभी तो मुझे मौका मिलेगा। सर जी, योर ऑनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं योर एक्सलेंसी, मुझे तो वो भी नहीं मालूम है। आपको पूर्ण रिस्पेक्ट के साथ मैं विनती करता हूँ कि जितने पेंडिंग केस हैं उसको थोड़ा तो आप समय दीजिए ना। ये जो फिक्सर लोग हैं उसके कोई भी हथगंडे को आप वो करते हो। हाँ, बस
आशा है कि आपको मेरी बात का बुरा नहीं लगेगा। सामान्य भारत का नागरिक होकर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, और ये 140 करोड़ भारतवासियों की रिक्वेस्ट है, ऐसा समझ के आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। एनीवे, आपका खूब खूब धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो देख के अगर दो लोग भी जाग सके तो मेरा प्रयास सफल रहेगा। इसके साथ मैं आपको सबको फिर से एक बार चैत्री नववर्ष की शुभकामना देता हूँ। सभी भाइयों को 140 करोड़ हिंदुस्तानी जितने हिंदुस्तान में रहते हैं, बाहर रहते हैं, उसको सबको, और ये वीडियो देखिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए, और आपका जीवन मंगलमय हो।